लेकिन मिश्रा जी इस वक्त ओवैसी क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि वो अपनी सीट से जीतते नजर आए, अब क्या कुछ बयान दे रहे हैं वो सुनते एक बार। एंड दैट इज व्हाई आई से दैट दिस नेशन रिक्वायर्स चंद्रशेखर राव टू प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल एट नेशनल लेवल एंड आई एम प्रीटी मच श्योर दैट विद द टैलेंट विद द पॉलिटिकल सेगेसिटी ही हैज ही विल बी एबल टू गैल्वनाइज ऑल नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी पार्टीज एंड ही विल प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल अ क्रूशियल रोल इन ब्रिंगिंग अ नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी गवर्नमेंट। नहीं कर पाएंगे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज नोट देने वाली, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जरा ध्यान से सुनिएगा। अभी असदुद्दीन ओवैसी जी बोल रहे थे, उन्होंने एक बड़ी खास बात बोली कि हम जो वहां के मुख्यमंत्री हैं राव साहब, हम उनको बोलेंगे कि नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस एक अलायंस बनाए, यानी अब पूरे देश की 2019 का इलेक्शन एक नई दिशा में जाने के लिए तैयार है, एक थर्ड पार्टी का ऑप्शन इन्होंने दिया। कंपोजिट कल्चर का जिक्र कर रहे थे। नहीं, कल्चर कंपोजिट है, लेकिन उन्होंने एक जो ऑप्शन दिया कि अभी तक ऑप्शन ये था कि या तो कांग्रेस प्लस होगा और बीजेपी प्लस में टक्कर होगी जो महागठबंधन की बात है, तीसरे एक महागठबंधन का ऑप्शन इन्होंने खोल दिया है जिसके हेड ये जो है राव साहब को बनाना चाहते हैं। अब देखिए इसका दो चीज होगा। कतिपय कुछ लोग ये बोलते हैं कि ओवैसी साहब जो है वो बीजेपी के लिए काम करते हैं, अब अगर राव साहब ने कोई एक थर्ड मोर्चा बनाया तो इसका बीजेपी को फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि कांग्रेस का जो मोर्चा बनाने का प्लान है, कि गठबंधन का लीडर बनने का प्लान है, उसको बहुत जोर से झटका लगेगा। ये अभी से गेम प्लान, स्ट्रेटजिक गेम प्लान शुरू हो गया है। अगर ये तीसरा कोई मोर्चा बनता है तो विपक्ष के कुछ लोग सोचेंगे मैं कांग्रेस के साथ जाऊं कि उनके साथ जाऊं, तो ये ऑलरेडी यहां पे 2019 के इलेक्शन के लिए कांग्रेस को कमजोर करने का भी इनडायरेक्ट वे में जो मुझे मैसेज जाता है। क्योंकि देखिए राव साहब या ओवैसी साहब ऐसे नहीं है कि अभी तो दो धड़े ही हैं, मतलब बीजेपी और कांग्रेस को लेकर के ही दो टीम में पूरी बटी हुई है। ऑल ऑफ सडन राव साहब ने पहले कभी ऐसा नहीं किया था, तो ऑल ऑफ सडन इतने बड़े पूरे कंट्री लेवल पे एक तीसरा मोर्चा या थर्ड फ्रंट दे देना, उसकी उपयोगिता मुझे नहीं लगती है। लेकिन मुझे लगता है अगर ऐसा हुआ तो इसका लॉस जो है कांग्रेस प्लस को होगा और बेनिफिट बीजेपी को होगा। ये पॉइंट ध्यान देने योग्य बात है कि एक नया तीर, नया स्ट्रेटजिक तीर जो है 2019 के इलेक्शन के लिए छोड़ दिया गया है। We'll be right back.